नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों को देते हैं विस्तार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहयोग करें। रविवार को चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही कलेक्टर अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, सभी इसका पालन करें। उन्होंने कहा, आदर्शों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संबंधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। निरस्त घोषित किया जाएगा। धारा 70 नाम निर्देशन से परिणाम घोषणा तक वह लेखा सुधार। नेक्स्ट, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 127 है, ये इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें 6 महीने की सजा भी है। 71 भी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोई भी उम्मीदवार शासकीय परिसंपत्तियों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। अशासकीय भवनों का भी चुनाव प्रचार के लिए उपयोग संबंधित भवन स्वामी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, विज्ञापन आदि के लिए एमसीएमसी समिति से प्रमाणीकरण कराना होगा। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न निकायों में चिन्हित स्थलों पर सभा आदि की जा सकेगी, जिनकी विधिवत अनुमति लेना होगी। संहिता की घोषणा होती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, वैसे ही कुछ कार्रवाइयाँ जो 72 घंटे के अंदर, कुछ कार्रवाइयाँ 48 घंटे के अंदर, कुछ कार्रवाइयाँ 24 घंटे के अंदर करनी होती है। हमारी नगर निगम की, हमारी पुलिस की और राजस्व की में निकल गई है, और जो उसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम और जो बाकी भी पूरा उसका दायरा ले रहे हैं, और 72 आवर्स में कुछ कार्रवाइयाँ करनी होती है, वो स्टार्ट हो गई, 48 आवर्स वाली भी और 24 घंटे वाली भी। अभी हमें जैसे ही हमें अपने जिले की डेट का पता चलेगा, उसके संबंध में भी हम प्रेस को सूचित करेंगे। ग्वालियर शहर में आपने अभी 2 दिन हुए हैं ज्वाइन किए, क्या व्यवस्थाएँ आपको देखने को मिली, जो कमी रह गई है कैसे पूरा? नहीं, बेसिकली इसमें हमारे आप लोकसभा निर्वाचन के हिसाब से हमारे यहाँ 2 जिलों में रहता है, अपने यहाँ रहती हैं 2 शिवपुरी जिले में रहती हैं। आज मेरे द्वारा FLC का अवलोकन भी किया गया, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, हमारे जिले का जो फर्स्ट लेवल चेकिंग है EVM है वो MLB में चल रहा है, आप लोग भी कभी जाएंगे और अवलोकन करेंगे तो इट विल बी बेटर। हम चाहते हैं हमारे जो भी इलेक्शन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो उसमें मीडिया और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अगर पार्टिसिपेशन रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और एक उत्तरदायित्व भी बना रहेगा। तो हमारे जो भी प्रक्रियाएं हैं, भले ही हम अभी EVM की कमीशनिंग कर रहे हैं, FLC कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट रेंडमाइजेशन करेंगे, सेकंड रेंडमाइजेशन करेंगे, तो हर जगह हमारा अनुरोध आप लोग पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें बताया गया कि जो आदर्श आचार संहिता के दौरान कुछ चीज़ें करनी है कि डूज होते हैं, कुछ चीज़ें डोंट्स होती हैं, तो ये सभी को अवगत कराया गया, सो दैट आदर्श आचार संहिता का पालन होगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहेगा और इलेक्शन एक फ्री और फेयर एनवायरनमेंट में हो सके। इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे हर 4th-5th दिन एक इंटरेक्शन रख लें और ब्रीफली जो 107-16 की कार्रवाइयाँ हैं, मदरा के ऊपर जो की गई कार्रवाइयाँ हैं, और अगर संपत्ति विरूपण में की गई कार्रवाई है, गिरफ्तारियां हैं, FIR की गई हैं, ये सभी की, और अपने परिवहन अधिकारी के द्वारा भी जो कार्रवाई है, ये सभी कार्रवाइयों से आपको अवगत कराया। चुनाव आचार संहिता लगते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। देर शाम से ही पुलिस सड़कों पर उतरी और शहर के हर प्रमुख चौराहे बाजारों में पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं पुलिस की 5 टीमें शासकीय संपत्ति पर लगे बैनर पोस्टर हटाने के लिए निकली। रात 10 बजे तक 3000 बैनर पोस्टर शहर से उतारे। कार्रवाई देर रात तक जारी रही थी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 461 वाहन चालकों के चालान भी बनाए। शहर के हर चौराहे पर पुलिस को देखकर लोग चौंक गए। आचार संहिता लागू होने के साथ ही हमारी टीमें पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम सक्रिय हो गई हैं, और जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं शहर में जो भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं बिना अनुमति के, वो सब निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने अपने चेकिंग भी मजबूत कर दी है। आगामी चुनाव को देखते हुए हम लोगों द्वारा जो तैयारियाँ की जा रही हैं उसमें 18 नाके लगाए जाएंगे, फ्लाइंग स्क्वाड SST गठित की जा रही हैं, और इसी के साथ में अवैध हथियारों के विरुद्ध हम लोगों का जो अभियान था वर्तमान में उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
और इस प्रकार हम लोग पूरी तैयारी से स्वतंत्र और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग कंप्लीट होने वाला है, क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या का आकलन लगभग पूर्णता की ओर है। उसके पश्चात हम लोग पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या, SAF और हमारा DAF होमगार्ड, इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। सर, पिछली बार कैश को लेकर कुछ समस्याएं आती रहती थी छोटे छोटे व्यापारियों को, इस बार कुछ अभी जो भी नए निर्देश होंगे उसके अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी और प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार की राशि चुनाव के दुरुपयोग के ले जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। परंतु अगर कोई परिवार कहीं जा रहा है, कोई समस्या है, किसी को तबियत किसी खराब है, इस प्रकार के जो केसेस आए थे उन पर संवेदनशीलता पूर्वक विचार किया जाए, इस पर हम लोग अपने जो भी हमारी टीम है उनको ब्रीफ करेंगे। आचार संहिता लगने के बाद शहर के महाराजपुरा, पुरानी छावनी, झांसी रोड, शिवपुरी लिंक रोड, गोलपहाड़िया पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया। यहां भारी वाहनों और चारपहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके लिए 3 टीमें अलग से बनाई गई हैं। इनका प्रभार अलग अलग अधिकारियों को दिया गया है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए सोमवार को RTO के अमले द्वारा गोले का मंदिर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां टेम्पो, ऑटो जैसे सवारी वाहनों को रोककर उनसे हो रहे प्रदूषण की जांच की गई और जांच में अनफिट मिले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। RTO की इस चेकिंग में यातायात पुलिस ने भी सहयोग किया। अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से अंचल के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से राजस्थान में ऊपरी हवा में चक्रवात सक्रिय हो रहा है। इससे मंगलवार से ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान की बात करें तो पिछले दिन की तुलना में अधिकतम तापमान गिरावट के साथ दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखी गई है। देखिए, मौसम जो तापमान की दृष्टि से तो जो ग्वालियर का जो तापमान चल रहा है वो सामान्य के आसपास ही है। अधिकतम तापमान 30.7 होना चाहिए तो 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और न्यूनतम तापमान भी 13.6 तो 13.4 रिकॉर्ड हुआ है। तो तापमान तो मार्च के हिसाब से सामान्य चल रहे हैं। रही बात हवा की, तो पश्चिम विक्षोभ जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और उसकी ऊंचाई 7.6 किलोमीटर है, तो उसके कारण एक राजस्थान में एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वेस्ट राजस्थान में, तो उसके कारण जो हवा तेज़ जो है चल रही है। तो आज तो मौसम शुष्क रहेगा। वेस्ट राजस्थान से सिस्टम जब ईस्ट की तरफ मूव होगा तो कल या परसों बादल छा सकते हैं। देखिए, अब जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मार्च से तो प्री मानसून एक्टिविटीज़ प्री मानसून चालू हो जाता है, तो इसमें चूँकि ठंड का मौसम समाप्त हो चुका है तो तापमान में तो वृद्धि होना ही है। दोनों ही तापमान बढ़ेंगे, न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा और अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा। आज तो नहीं, कल बादल छाएंगे, परसों कुछ उम्मीद की जा सकती है। देखिए, बारिश का जो फोरकास्ट है वो तो दिल्ली के द्वारा किया जाता है, वो अप्रैल में किया जाएगा। बाकी इसके पहले तो अभी गर्मी का ही फोरकास्ट होना है, तो क्योंकि इस बार का जो ठंड का मौसम जो है काफ़ी लंबा रहा है, नवंबर से ही जो है बर्फबारी हुई है और पश्चिम विक्षोभ की संख्या जो इस वर्ष ज़्यादा रही है, तो जिस वर्ष ऐसा अनुभव किया गया है कि जिस तरह तापमान जो है सबसे कम रिकॉर्ड होता है तो उस समय गर्मी भी जो है अच्छी पड़ती है। और यहाँ ग्वालियर में तो 46-47 डिग्री तापमान जो है सामान्य यहाँ होता ही है लगभग मई के आखिरी में। डबरा में भीम आर्मी के द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर SP नवनीत भसीन डबरा पहुंचे, जहां लगातार 3 हत्याओं के मामले को लेकर SP नवनीत भसीन को भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंपा। यहां आपको बता दें कि भीम आर्मी एवं एकता मिशन डबरा के कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन माधवराव सिंधिया चौराहे पर धरना भी दिया। पिछले महीने सहराई में रामदास जाटव की हत्या,
एवं चिन्नौर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई जीतू साके की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई न करने के विरोध में भीम आर्मी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के आदेश पर पुलिस बल द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को सख्ती दिखाते हुए समझाइश देकर शांत कराया। इसके साथ ही ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन मौके पर पहुंचे और घटना स्थलों का भी जायजा लेकर मृतक के परिजनों को समझाया। ज्वाइंट टीम हमारी काम कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व लगभग 140 ट्रॉलियां सरोज थाने पकड़ी गई थी, अभी तक लगातार वही खड़ी है और इनकी कार्रवाई में हम लोग आगे ये रणनीति बना रहे हैं, जो भी इलीगल माइनिंग वाली गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो उनको माइनिंग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया जाए, जिससे कि उनको जुर्माने की राशि दे दूँ, वो काफ़ी असरन लगे जिससे कि वो लोग उसमें और अधिक कंट्रोल हो। सर यहाँ कोई ठेका नहीं है, उसके बावजूद ये बंदूक के दम पर वसूली कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर फिर से। ग्वालियर के मुरार इलाके के नदी पार टाल में रहने वाले एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल मृतक सुनील झा को पीठ में दर्द के चलते 6 नंबर चौराहा स्थित कड़ेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान किसी इंजेक्शन के लगाए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल मृतक के शव का पीएम कराकर मार्ग कायम कर लिया है। क्या हुआ कर रात को इनको 7:30 बजे टाइम पर हेड में पीठ में दर्द हुआ था पीछे, तो हम क्या जब अपना 6 नंबर चौराहे पर श्री गणेश हॉस्पिटल बनाए उसमें ले गए, तो उसमें क्या उतना डॉक्टर लोग तो थे नहीं, जो कंपाउंडर रहते ना उनने थोड़ी जाँच करी और इंजेक्शन लगा दिया है। इंजेक्शन के 5 मिनट बाद उनको आराम मिल गया थोड़ा उसी बेड पर 5 मिनट बाद उनको फिर दर्द हुआ दोबारा से पीठ में तेज, उठ के फिर ICU वाले में ले गए बाढ़ में, उसमें क्या लगाने का वो मशीन लगाते हैं वो लगाई, उस लगा नहीं पाई, उससे पहले तो उसी पे खत्म हो गए बेड पर। तो तुम क्या लगता है तुम लोग? मैं ये कह डॉक्टर की लापरवाही है पूरी, इंजेक्शन के कारण उनकी मौत हुई है। ये सुनील नाम का व्यक्ति है, उसके बता रहे थे पीठ में दर्द हुआ था, तो उसको लेकर के हॉस्पिटल गए होंगे। गणेश नाम से हॉस्पिटल है, उसमें लेकर गए हैं तो वहाँ जाके वो खत्म हो गया। क्या परिजनों का आरोप है गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत? अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तो उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मृतक क्या करता था ये भी नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मैं तो ये थाने से आकर के इधर में पीएम के लिए आ गया। ग्वालियर के स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संस्थान में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय बिटिया महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। समापन के मौके पर यहां कविता पाठ का आयोजन किया गया, जहां देश भर से पहुंचे नामचीन कवियों द्वारा कविता का पाठ किया गया। आयोजन में कवि नेता अमित उपमन्यु, फिरोज खान, मुस्तफा खान, अशोक चौहान, जितेंद्र विसारिया, राजहन सेठ सहित तमाम कविगण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के कारण एक बार फिर प्रदेश सहित पूरे जिले के सभी 29,000 शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह आदेश 27 मई तक प्रभारी रहेगा। आचार संहिता लागू होने के कारण 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के कारण 6 अक्टूबर को शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे। यह आदेश 11 दिसंबर को वोटों की गिनती तक प्रभारी रहा था। इस बार भी लाइसेंस वोटों की गिनती के अगले 2 दिन तक सस्पेंड रहेंगे और विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी नेताओं की सभा के लिए शहर में 17 स्थान तय किए गए हैं। ऐसे ही डबरा व भितरवार में भी सभा स्थल प्रशासन ने तय कर दिए हैं। कलेक्टर ने कहा, चुनाव के दौरान किसी भी वाहन में 50,000 से ज्यादा नकदी राशि नहीं मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शादी या फिर कारोबार के लिए रकम ले जा रहा है तो उसे साथ में साक्ष्य रखने होंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और करते हैं खबरों की ओर फिर से। सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अधिकारियों की क्लास ली और व्यवस्था चौकस न होने के लिए उन्हें लताड़ भी लगाई। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां कलेक्टर द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात को लेकर चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी के निर्देश दिए। ये रोड ट्रैफिक जो समस्याएं हैं ग्वालियर जिले की, इसके संबंध में बैठक थी जिसमें कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर, आरटीओ व अन्य संबंधित जितने भी अधिकारी थे वो थे, और उसमें ऐसी जो भी समस्याएं हैं सबका हल करने के लिए बैठक रखी गई थी। उसमें बहुत कई दिशा निर्देश हैं अलग अलग विषयों में, पर यह है कि उनका समय पर उसका कार्रवाई कर कर पालन प्रतिवेदन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। माधव महाविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 11 मार्च को राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के विधि सभागार में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल और मुख्य वक्ता के रूप में इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर राघवेंद्र यादव एवं डॉक्टर के रघम की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज जो है इतिहास विभाग और राजनीति शास्त्र विभाग का संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय परिसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और इसमें महात्मा गांधी जी के सामाजिक दर्शन विषय को रखा गया है, और प्रोफेसर सतीश मित्तल जी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, और ये जो हैं इतिहास संकलन योजना है राष्ट्रीय, उसके सम्माननीय अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े इतिहासकार हैं। लगभग 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, और हमारा जो इतिहास जो लिखा गया है, जो अंग्रेजी ब्रिटिश काल में लिखा गया और ऐसे लोगों द्वारा लिखा गया कि जो किसी ना किसी दृष्टि से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, तो उसमें जो भ्रांतियाँ हैं इन्होंने अपनी पुस्तकों में भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। इसमें हमारे यहाँ के सारे शोध छात्र शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने एक प्रोजेक्ट का रखा हुआ है पाठ्यक्रम में, 100 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, तो हमने प्रयास किया है कि जो शोध कार्य कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे, फाइनल ईयर में ये प्रोजेक्ट विषय चलता है, तो वे सभी छात्रों को इसमें हमने आमंत्रित किया है, तो वो यहाँ पर आएंगे और सीखेंगे, तो इस बारे में उनकी जानकारी, उनका ज्ञानवर्धन होगा। स्वच्छता के पायदान में ग्वालियर शहर के खिसकने से हाईकोर्ट बहुत चिंतित है। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्वालियर में गंदगी का अंबार है, नाली और सीवर की सफाई नहीं हो रही है। नगर निगम से कहा कि यदि आपके अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें दंडित करना शुरू कर देंगे, और अगले सप्ताह तक इसकी रोकथाम के संबंध में निगम से रिपोर्ट मांगी। इस बार स्वच्छता सर्वे में टॉप 10 में आना तो दूर, ग्वालियर 2018 की पोजीशन को भी बरकरार नहीं रख सका। पिछले साल की तुलना में स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान 3 माह के लिए करीब 1000 सफाई कर्मचारी अतिरिक्त लगाए, 5 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन रैंकिंग में 31 पायदान नीचे गिर गए। पिछले साल 28 स्थान था, जबकि इस बार सफाई पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 59वें नंबर पर जा पहुंचे हैं। कोर्ट ने शहर में डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू के प्रकोप पर भी नगर निगम को फटकार लगाई। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका मेरे माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, और ग्वालियर में जो गंदगी की व्यवस्था और डेंगू का जो प्रकोप था उसके संबंध में याचिका थी, जिसकी सुनवाई आज माननीय न्यायालय के सामने हुई, और हाईकोर्ट के सामने ये फैक्ट लाए गए कि डेंगू की समस्या से अभी ग्वालियर निजात नहीं पा पाया, तब तक स्वाइन फ्लू की समस्या ग्वालियर में व्याप्त हो गई, और इसके लिए नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। इस पर आज माननीय हाईकोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए नगर निगम से कहा कि आप क्या ग्वालियर में काम कर रहे हैं, इससे ये दिखाई देता है कि आप सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर, अभी सर्वेक्षण जो अभी हाल ही में आया है उसमें इंदौर फर्स्ट पायदान पे है, जबकि ग्वालियर 39वें पायदान पर पहुंच गया,
तो हाईकोर्ट ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्वालियर में गंदगी के अंबार हैं, चारों तरफ गंदगी व्याप्त है, नली गली नाले और सीवर इसकी सफाई नहीं की जा सकती की जाती है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा नगर निगम से कि यदि आपके अधिकारी कार्य नहीं करेंगे और जनता इसी तरह अगर परेशान होती रहेगी तो हम मजबूर होंगे कि हम आपके अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। और हाईकोर्ट ने नगर निगम को यह भी आदेश दिया कि अगले हफ्ते तक न्यायालय में ये बताएं कि स्वाइन फ्लू रोकने के लिए और ग्वालियर में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए ग्वालियर नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए माननीय हाईकोर्ट ने नगर निगम को एक सप्ताह का जवाब दिया है। अगले सप्ताह नगर निगम को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है कि स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए और जो गंदगी व्याप्त है उसके लिए उन्होंने ग्वालियर में क्या काम किया। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।